तो क्वेश्चन जो पिक किए हुए हैं सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छी है और लेवल जो है एसएससी सीजीएल का लेवल है, ऐसा भी नहीं है कि एकदम टफ लेवल है। तो क्वेश्चंस जो हैं एक्सपेक्टेड हैं, ऑफ कोर्स इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, ऑफ कोर्स आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। प्लस इसमें जहाँ जहाँ जो ऑप्शंस हैं जो क्लेरिफाई किए जा सकते हैं वो क्लेरिफाई किया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अपना पहला क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एल्टीट्यूड इन एयरक्राफ्ट्स। जो एयरक्राफ्ट्स की हाइट होती है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है मेजर करने के लिए। तो उस जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करने के लिए एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट्स का एल्टीमीटर है। ओके, तो एयरक्राफ्ट्स का। अब बचे बाकी, तो ऑडियोमीटर जो होता है आपका, ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ओके, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। देन एमएमीटर होता है, ये आपका मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देन आपका एनेमोमीटर होता है, एनेमोमीटर मेजर करता है विंड की स्पीड, विंड स्पीड। तो इससे आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। एक तो एल्टीट्यूड कौन सा मेजर करता है एयरक्राफ्ट का, तो एल्टीमीटर। देन ऑडियोमीटर साउंड का इंटेंसिटी, एमएमीटर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एनेमोमीटर विंड स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ ओशियन। ओशियन का डेप्थ मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है यूज किया जाता है, तो ओशियन का डेप्थ मेजर करने के लिए फैथोमीटर यूज किया जाता है। तो फैथोमीटर इसका आंसर हो गया। देन अपना है गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक ये करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, देन है अपना फ्लक्स मीटर, फ्लक्स मीटर क्या मेजर करता है, इट्स अ मैग्नेटिक, ऑफ कोर्स आपने सुना होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फ्लक्स मीटर मैग्नेटिक फील्ड में जो फ्लक्स होता है उसको मेजर करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। देन इंडोस्कोप, इंडोस्कोप जो है आपका इंटरनल बॉडी पार्ट्स, जो इंटरनल आपकी बॉडी पार्ट होती है उसको एग्जामिन करने के लिए यूज किया जाता है एंडोस्कोप, इंटरनल बॉडी पार्ट्स को एग्जामिन करने के लिए। क्लियर है? तो गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं, फ्लक्स मीटर मैग्नेटिक फ्लक्स है कि नहीं, एंडोस्कोप इंटरनल बॉडी पार्ट को एग्जामिन करने के लिए, एंड फैथोमीटर इज यूज्ड फॉर डेप्थ ऑफ ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, तो ये है बैरोमीटर, ऑप्शन ए। तो बैरोमीटर अपना जो है एटमोस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। अब बचे हुए ऑप्शंस को देख लेते हैं कि जो डिवाइसेस हैं वो क्या क्या मेजर करते हैं। तो बैरोग्राफ्ट है, ये करता है आपका एटमोस्फेयरिक, बैरो जो ग्राफ है ये ग्राफ बनाता है। बैरोमीटर क्या हो गया, एटमोस्फेयरिक प्रेशर, और ये रिकॉर्डिंग्स करता है। ओके, जो टोटल इट मीन्स रिकॉर्ड करके ग्राफ, ग्राफ मेजर करता है किसके, एटमोस्फेरिक प्रेशर के ही। देन आता है आपका बोलोमीटर, बोलोमीटर जो है वो हीट रेडिएशन मेजर करता है, हीट रेडिएशन। देन कैलिपर, कैलिपर्स जो है इनर और आउटर डायमीटर, जो बॉडी की इनर, इनर डायमीटर कितनी है और आउटर डायमीटर, इनर डाया और आउटर डाया किसका, बॉडी का, बॉडी का। तो बॉडी की इनर और आउटर डाया कितना है उसको मेजर करने के लिए कैलिपर यूज करते हैं। तो सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए और क्वेश्चन अपना क्लियर है कि एटमोस्फेरिक प्रेशर के लिए कौन सी डिवाइस यूज की जाती है। Which instrument is used to measure the power of electric current? Electric current का power जो है वो measure करने के लिए कौन सा instrument use की जाती है?
तो इसका आंसर है वाट मीटर। जो पावर मेजर करने के लिए होता है वाट मीटर, वोल्ट मीटर होता है दो पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। ओके, वेव मीटर होता है वेव लेंथ मेजर करने के लिए, विस्कोमीटर होता है आपको लिक्विड्स, जो लिक्विड्स होते हैं उनकी विस्कोसिटी कितनी है। विस्कोसिटी का मतलब होता है एक के ऊपर दूसरे जो फ्लो करते हैं उसके बीच जो फ्रिक्शन है वो कितना लग रहा है, तो कितने विस्कस हैं। ओके, ये हो गया विस्कोमीटर। वेव मीटर वेवलेंथ के लिए। वाट मीटर इज फॉर पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, सॉरी, मेजर द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। एंड वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पीडी बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन सबमरीन टू सी द ऑब्जेक्ट्स अबव सी लेवल। कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है, मान लीजिए कि सबमरीन है वो नीचे है तो अबव सी लेवल पे कुछ देखना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं पेरिस्कोप। नेक्स्ट बच जाता है सारे ऑप्शंस अपने, तो पाइकोमीटर जो है अपना यूज किया जाता है डेंसिटी मेजर करने के लिए और कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, डेंसिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। ओके, तो पाइकोमीटर से क्या मेजर होता है, डेंसिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ क्या करता है, जो आपकी हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है और रिस्पिरेशन है, इसको रिकॉर्ड करता है। ओके, यूज टू रिकॉर्ड चेंज इन हार्ट बीट, हार्ट बीट किस तरह चेंज कर रहा है, ब्लड प्रेशर और रिस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर बीपी, रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट, हार्ट बीट, ये पॉलीग्राफ करता है। फोटोमीटर, फोटोमीटर जो यूज होता है ये किसी भी जो सोर्स ऑफ लाइट है, कैमरेज में फोटोमीटर का यूज करके ही पहले फोटोज खींची जाती है, तो इंटेंसिटी ऑफ मतलब जो सोर्स ऑफ लाइट कितनी होगी उसको मेजर करने के लिए फोटोमीटर यूज करते हैं। Which instrument is used to measure curvature of a spherical object? A spherical object का curvature? Of a spherical object का measure करने के लिए question है अपना, which instrument is used to measure curvature of a spherical object? A spherical object का जो curvature होता है उसको measure करने के लिए क्या use करते हैं, तो इसका आंसर आपका एस्फेरोमीटर। अगर आप ऑप्शंस को भी चेक करें तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि एस्फेरो इट मीन समथिंग एस्फेरिकल, कर्वेचर एस्फेरिकल का, तो एस्फेरोमीटर, तो डायरेक्ट इसे आंसर लगा सकते हैं। अब स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, तो स्पेक्ट्रा, जो स्पेक्ट्रा बैंड होता है कलर्स का उसको मेजर करने के लिए ये यूज किया जाता है स्पेक्ट्रोमीटर। ओके, देन आता है आपका स्पेक्ट्रोस्कोप जो है स्पेक्ट्रा मेजर करने के लिए होता है। देन स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है पोजीशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, जो पोजीशन होता है स्पेक्ट्रल लाइन का उसको मेजर करने के लिए, स्पेक्ट्रल लाइन, पोजीशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। देन सेक्सटेंट, सेक्सटेंट क्या होता है, किसी भी हाइट पे, बहुत हाइट पे जो एलिवेशंस होते हैं उसके बीच में एंगल्स के मेजरमेंट, ताकि जो जैसे कि लेवलिंग होती है, सर्वेइंग होती है, तो उसमें जो मेजर होता है एंगल का, एलिवेशन कितना है, तो उसका जो यूज होता है उसको सेक्सटेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू रिकॉर्ड फिजिकल हैपनिंग्स एट अ डिस्टेंस प्लेस, मतलब किसी दूरी पे कुछ फिजिकल हैपन हो रहा है, फिजिकल मीन्स सॉलिडिफाइड, अपनी बॉडी हो गई तो फिजिकल कुछ अपियरेंस है, ठीक है, तो फिजिकल हैपनिंग्स कुछ डिस्टेंस पे हो रहा है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट उसको मेजर करेगा, तो इसका आंसर है अपना टेलीमीटर। टेलीमीटर जो है वो फिजिकल हैपनिंग डिस्टेंस प्लेस पे करता है। थर्मोस्टेट जो है ये एक टेम्परेचर को रेगुलेट कर, इट मीन्स हीट, थर्मोस्टेट हीट सेंसर के तौर पर काम करता है। टोनोमीटर जो है अपना
पिच ऑफ ए साउंड मेजर करता है, पिच ऑफ अ साउंड। ट्रांसपोंडर, ट्रांसपोंडर जो है सिग्नल, मान लीजिए कहीं से सिग्नल आया, एक मे भी आप ईडीएम जानते हैं या नहीं, ईडीएम जो होता है वो उसमें एक सिग्नल भेजी जाती है, सिविल इंजीनियरिंग में ये एक इक्विपमेंट है, उसमें सिंगल एक साइड से भेजी जाती है फिर दूसरे साइड से रिसीव करके तुरंत उसका रिप्लाई दिया जाता है, तो उसी में ट्रांसपोंडर यूज होता है। तो ट्रांसपोंडर क्या होता है, मान लीजिए कि कहीं से सिग्नल आया, ठीक है, आपके दो फ्रेंड्स हैं, कहीं से सिग्नल आया, उसको तुरंत रिप्लाई देना है, तो सिग्नल रिसीव करना और तुरंत रिप्लाई करना, उसमें ट्रांसपोंडर का यूज होता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड। अगर कोई पार्टिकल है लिक्विड में सस्पेंडेड फॉर्म में है, तो उससे स्कैटरिंग ऑफ जो लाइट है वो किस चीज से मेजर की जाती है, तो इसका आंसर है नेफ्टोमीटर। नेफ्टोमीटर से जो पार्टिकल्स के द्वारा जो लिक्विड में सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं उनसे जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है उसको मेजर की जाती है नेफ्टोमीटर से। ओम मीटर जो है ये इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस मेजर करता है, मान लीजिए कोई वायर है, ठीक है, इसमें कितना रुकावट है इसको मेजर करता है ओम मीटर। देन ओंडोमीटर जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जैसे उनकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, ओके, तो उनकी फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है ओंडोमीटर। देन आता है अपना पाइरोमीटर। पाइरोमीटर जो है वेरी हाई टेम्परेचर, ये सन की जैसे कि पेरोस्कोपिक एक थर्मो मीटर आता है, उसको उसको यूज करके सन की जो है हीट मेजर की जाती है, तो उसी सेंस में पाइरोमीटर है, तो वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा जो टेम्परेचर होती है उसको मेजर करते हैं, वेरी हाई टेम्परेचर। ओके, तो ये सारे ऑप्शंस आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ कलर्स। कलर्स की इंटेंसिटी जो है वो किस इंस्ट्रूमेंट से डिटरमाइंड होती है, तो कोलरीमीटर जो ऑप्शन है अपना, कोलरीमीटर, इससे कलर की इंटेंसिटी मेजर की जाती है। देन नेक्स्ट अपने ऑप्शन आते हैं कैथोमीटर। कैथोमीटर जो है ये हाइट मेजर करता है, हाइट, ओके। देन आता है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर इज मतलब लॉन्गिट्यूड जो वेसल होता है सी का, उसको मेजर करता है क्रोनोमीटर, ओके, लॉन्गिट्यूड वेसल ऑफ ए सी, वेसल ऑफ अ सी। देन आपका कम्यूटर। कम्यूटर जो है वो कन्वर्ट करता है एसी से डीसी में, एसी जो करंट होता है उससे वो डीसी में कन्वर्ट करता है कम्यूटर। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। जो सब्सटेंस होते हैं उसके उसमें जो वॉल्यूम चेंज हो रही है उसको कौन सा जो है मेजर करता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है, तो अपना इसका आंसर है डायलोमीटर, डायलेटोमीटर। डायलेटोमीटर जो है ये मेजर करता है कि चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस कितना हुआ है। डायनामो आपको पता है क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। देन साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन क्या करता है, ये एक चार्ज पार्टिकल एक्सीलेटर है, जो कि एक्सीलेटेड जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उसको हाई एनर्जी में एक्सीलरेट करता है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल मतलब कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, उसको एक्सीलरेट करना, तो उसको साइक्लोट्रॉन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज है कि नहीं उसकी प्रेजेंस को मेजर करता है, इलेक्ट्रिक प्रेजेंस। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रेजेंस को मेजर करता है इलेक्ट्रोस्कोप। साइक्लोट्रॉन क्या करता है,
चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। ओके, डायलेटोमीटर वॉल्यूम ऑफ सम ट्रांस को उसमें चेंज मेजर करता है, डायनामो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर साउंड अंडर वाटर, वाटर के पानी के अंदर साउंड मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो हाइड्रोफोन जो है ये यूज किया जाता है पानी के अंदर साउंड को मेजर करने के लिए। हाइग्रोमीटर जो है ये ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है कि एटमोस्फेयर में ह्यूमिडिटी कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, ओके, नमी कितनी है। हाइग्रोस्कोप जो है चेंज इन एटमोस्फेयरिक ह्यूमिडिटी, जो ह्यूमिडिटी है उसमें चेंज मेजर करता है। देन हाइप्सोमीटर जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड को मेजर करता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ओके, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और इनके ऑप्शंस के जो रिजल्ट्स हैं उसको भी ध्यान से देखिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ नोट करने के लिए है, आपको ऐसे नहीं याद हो रहा है, आई थिंक 3 से 4 बार आप वीडियो को देखेंगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस याद हो जाएंगे और एक रिविज़न डेली बेसिस पे होगी तो ऑफकोर्स ये कम्प्लीट होंगे। क्लियर है? अगर नहीं हो तो आप एक छोटा सा नोट्स भी बना सकते हैं कुछ के ऑप्शंस के। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर प्रेशर ऑफ गैसेस, गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो ये है मैनोमीटर। मैनोमीटर जो है यूज होता है प्रेशर मेजर करने के लिए गैसेस का। देन मैक मीटर जो है एयरक्राफ्ट का स्पीड साउंड के टर्म में मेजर करता है, मैक साउंड के टर्म में एयरक्राफ्ट की स्पीड। क्लियर है? मैग्नेटोमीटर जो है जो मैग्नेटिक मूवमेंट होते हैं और उसके फील्ड्स होते हैं उसके बीच में कंपैरिजन करने के लिए यूज किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड और जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, इनके बीच में कंपैरिजन करने के लिए मैग्नेटोमीटर यूज होता है। देन माइक्रोमीटर का यूज क्यों करते हैं? साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन में, साउंड वेव जो हैं उनको इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट करता है माइक्रोमीटर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हीट रेडिएशन, हीट रेडिएशन को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? तो रेडियो माइक्रोमीटर जो है हीट रेडिएशन को मेजर करता है। ओके, तो अगर क्वेश्चन पूछे इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हीट रेडिएशन इज कॉल्ड रेडियो माइक्रोमीटर। देन रडार क्या होता है? आपने सुना होगा कि वो हमारे रडार से बाहर है, इट मींस डायरेक्शन और स्पीड रेडियो वेव्स की मदद से किसी ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको कहते हैं रडार। किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन और स्पीड रेडियो वेव्स की मदद से मेजर करने के लिए। सेलिनोमीटर क्या होता है? सेलिनोमीटर जो है वो सेलिनिटी निकालता है, सेलिनिटी ऑफ सॉल्यूशंस। रिफ्रैक्टोमीटर क्या होता है? रिफ्रैक्टोमीटर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्ट करेंट, डायरेक्ट करेंट का स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो इसका आंसर है टेजेंट गैल्वेनोमीटर जो है वो डायरेक्ट करेंट का स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। देन ऑप्शंस है एस्टर्बोस्कोप किस लिए यूज किया जाता है? तो जो रैपिडली मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देखने के लिए अगर कोई रैपिड मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसको देखने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? एस्टर्बोस्कोप। ओके, देन है एस्टेरोस्कोप। एस्टेरोस्कोप क्या होता है? टू डायमेंशनल पिक्चर को देखने के लिए, 2D पिक्चर को देखने के लिए यूज किया जाता है एस्टेरोस्कोप। देन टैकोमीटर जो है ये रोटेशनल स्पीड शाफ्ट का
जो मोटर बोट्स और एरोप्लेन्स में यूज की जाते हैं उसकी रोटेशनल स्पीड मेजर करने के लिए टैकोमीटर को यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमिलन इन्वेंटेड, मैकमिलन ने क्या इन्वेंट किया? तो मैकमिलन इन्वेंटेड बाइसाइकिल। बैरोमीटर, फिर क्वेश्चन आ जाता है कि बैरोमीटर कौन इन्वेंट किया था, अभी हम लोगों ने पढ़ा है इन सब चीजों के बारे में, तो बैरोमीटर कौन इन्वेंट किया? तो बैरोमीटर जो है वो टॉर्सेली इन्वेंट किया था, ई टॉर्सेली, 1644 में, 1644 में ई टॉर्सेली जो इन्वेंट किया था। देन कैलकुलेटिंग मशीन, कैलकुलेटिंग मशीन जो है पास्कल के द्वारा इन्वेंट किया गया था। सेंटीग्रेड स्केल, सेंटीग्रेड स्केल जो है सेल्सियस, ए सेल्सियस के द्वारा इन्वेंट किया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि मैकमिलन ने क्या इन्वेंट किया था, तो बाइसिकल, बैरोमीटर किसने, तो टॉर्सेली, कैलकुलेटिंग मशीन पास्कल, सेंटीग्रेड स्केल, ए सेल्सियस। थॉमस एल्वा एडिसन इन्वेंटेड व्हाट? थॉमस एल्वा एडिसन इन्वेंटेड इन इन सब में से सिनेमेटोग्राफ, सिनेमेटोग्राफ को अल्वा एडिसन ने इन्वेंट किया था। देन सिनेमा किसने इन्वेंट किया? तो सिनेमा जो है ए एल एंड जे एल लुमेरी जो फ्रांस के ब्रदर थे उन्होंने इन्वेंट किया था। ए एल एंड जे एल लुमेरी इन्होंने सिनेमा यूज जो है इन्वेंट किया था। देन कैमरा, जो सीने कैमरा है वो किसने इन्वेंट किया था? तो फ्रीसी ग्रीने ने, फ्रीसी, FRIESEGREENE, ओके, फ्रीसी ग्रीनी ने इन्वेंट किया था सीने कैमरा। कंप्यूटर, बैबेज, चार्ल्स बैबेज, चार्ल्स बैबेज जो है कंप्यूटर इन्वेंट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एफरेल नोडल नोबेल जो है क्या इन्वेंट किए थे? तो डायनामाइट, जो विश्व की शांति को बिगाड़ने का काम किया था इन्होंने किया था, और इनको नोबेल प्राइज मिला था, इनके नाम पे नोबेल प्राइज भी रखा गया था, डायनामाइट। ओके, तो डायनामाइट इन्होंने इन्वेंट किया। देन एक्सरे किसने किया? तो एक्सरे इन्वेंट किया था विलियम, विलियम रोंगटेंगेन ने, विलियम रोंगटेंगेन ओके। देन डीजल इंजन किसने? रुडोल्फ डीजल, रुडोल्फ डीजल। देन आपका था डायनेमो, डायनेमो किसने इन्वेंट किया था? तो माइकल फराडे, माइकल फराडे। डायनेमो क्या काम करता है? मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डेविड ह्यूज इन्वेंटेड, डेविड ह्यूज जो थे वो क्या इन्वेंट किए थे? तो डेविड ह्यूज जो इन्वेंट किए थे माइक्रोफोन, जिससे हम आजकल अपनी रिकॉर्डिंग्स करते हैं या फिर आप फोन पे बात करते हो। मशीन गन, ये किसने इन्वेंट किया था? मशीन गन वन इन्वेंटेड बाय रिचार्ड गैटलिंग, रिचार्ड आर गैटलिंग, आर गैटलिंग, ओके। देन माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय जे जेड जेंसेन, जेंसेन। मोटरसाइकिल वॉज इन्वेंटेड बाय एडवर्ड बटलर, एडवर्ड बटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मैरी एंड पीरे क्यूरी इन्वेंटेड रेडियम। देन हु इन्वेंटेड रेडियो? मार्कोनी। हु इन्वेंटेड रडार? रडार वॉज इन्वेंटेड बाई डॉक्टर एच टेलर, एच टेलर। ये स्विफ्ट टेलर के पप्पा नहीं थे, इट मीन्स डैड नहीं थे। एंड एलसी यंग, एलसी यंग, इन दोनों ने मिलकर रडार को इन्वेंट किया था।
रेफ्रिजरेटर जो फ्रीजेस हैं अपने, वो किसने इन्वेंट किया था? तो जे हैरिसन एंड ए कैटलिन, जे हैरिसन, हैरिसन और ए कैटलिन, कैटलिन, इन दोनों ने मिलके रेफ्रिजरेटर का इन्वेंट किया था। देन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या इन्वेंट किया था? टेलीफोन, जो आज की दुनिया की, आज की 21st century की सबसे बड़ी इन्वेंशन मानी जाती है टेलीफोन। टेलीस्कोप का आविष्कारक कौन है फिर? हैंस लिप्सेरी, हैंस लिप्रेशे, लिप्रेशे, लिपरशे, एल आई स्पेलिंग सही, ओके इट्स ओके, यू कैन चेक द स्पेलिंग ऑफ लिपोर्से और लिपोर्सी, आई एम लिटिल कंफ्यूज इन इन दिस, हैंस लिपोर्सी और लिपोर्से। टेलीस्कोप, देन टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड बाय जेल ब्रेड। टैंक, टैंक वॉज इन्वेंटेड बाय अर्नेस्ट स्विंगिंगटन, अर्नेस्ट स्विंगिंगटन, ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड, इन्होंने टैंक का इन्वेंशन किया था। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैरी बियरली हैज इन्वेंटेड, हैरी बियरली जो थे वो क्या इन्वेंट किए थे? तो इन्होंने इन्वेंट किया था स्टेनलेस स्टील का, जो ग्लासेस होती हैं स्टेनलेस स्टील का, उसका इन्होंने इन्वेंट किया था। देन इलेक्ट्रिक आयरन का इन्वेंशन जो है वो एच डब्ल्यू सीले ने किया था, या फिर आप सीधे सीले इसका याद रखें, सीले, सी ले। ट्रिक इसका भी अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, आप आयरन कर रहे थे, इलेक्ट्रिक आयरन, जल गया आपका कपड़ा, बर्न हो गया, तो सुई डोरा से सीले, जो सुई और थ्रेड होता है धागा उससे सीले, तो इलेक्ट्रिक आयरन सीले। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट का आविष्कार किसने किया था? डब्ल्यू एस्टरगन, डब्ल्यू एस्टरगन, STURGEON, या फिर एस्टर्जन आप इसे पढ़ सकते हैं। ग्राहम फोन, ग्राहम फोन वॉज ऑफकोर्स थॉमस अल्वा एडिशन, एडिशन इज फ्रॉम USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हु डिस्कवर्ड एटम, एटम का डिस्कवरी किसने किया था? तो एटम का डिस्कवर जो है वो जॉन डाल्टन ने किया था। देन मैडम क्यूरी डिस्कवर्ड रेडियम, जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, एंड रदरफोर्ड डिस्कवर्ड, जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन, मैडम क्यूरी रेडियम, जॉन डाल्टन एटम, एंड रदरफोर्ड डिस्कवर्ड प्रोटॉन, प्रोटॉन। सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए, क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड डायोड बल्ब, डायोड बल्ब का डिस्कवरी किसने किया था? तो ये जेएस फ्लेमिंग ने डायोड बल्ब का डिस्कवरी किया था। नेक्स्ट अपना इसमें आता है, हेनरी बेक्वेरल, बेक्वेरल जो है वो क्या डिस्कवर किए थे? तो ये रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, ओके। देन ली डिफोर्स्ट, ली डिफोर्स्ट ने ट्रायड बल्ब, डायोड का किया था अपना फ्लेमिंग ने, जेएस फ्लेमिंग ने। देन ट्रायड बल्ब, डायोड के बाद ट्रायोड, ट्रायोड बल्ब का किया था ली डिफोर्स ने। आर्कमिडिस ने क्या किया था? तो इन्होंने बायोन्सी फ्लोटेशन, बायोन्सी का डिस्कवरी की थी, जिसके थ्रू जो अपना वेट या फिर ये सब मेजर होता है, या फिर जिसके बेसिस पे शिप्स बनाए जाते हैं, बायोन्सी का आविष्कार इन्होंने, इन्वेंशन किया था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, रेडियोकार्बन इज प्रोड्यूस्ड इन द एटमॉस्फेयर एज रिजल्ट ऑफ, रेडियोकार्बन जो प्रोड्यूस होता है एटमॉस्फेयर में वो किसके चलते होता है? तो कोलिजन बिटवीन फास्ट न्यूट्रॉन और नाइट्रोजन निकली प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, इन दोनों के, जो फास्ट न्यूट्रॉन और नाइट्रोजन निकली प्रेजेंट होते हैं, उनके कोलिजन से रेडियोकार्बन प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय बॉटलिंग पेपर इन्वॉल्व्स, किस प्रोसेस के थ्रू जो एब्जॉर्प्शन होता है बॉटलिंग पेपर में होता है? तो ये एक कैपिलरी, आपने पढ़ा होगा कैपिलरिटी, जो पानी होता है अगर आप ट्यूब में रखें तो थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाता है, वो
उसके जो कैपिलरिटी एक्शन होती है उसकी लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स में, उसके थ्रू जो ऊपर चढ़ने की प्रोसेस को कैपिलरिटी कहते हैं। जैसे कि आपने अगर लांटेन कभी देखा होगा या फिर लैम्प, तो उसमें जो किरोसिन वायल होती है वो कैसे ऊपर जाती है, ड्यू टू कैपिलरिटी प्रोसेस। तो उसी कैपिलरी एक्शन के थ्रू इंक जो है, बॉटलिंग पेपर जो होती है, जो वो वाले पेंस होते हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन, जैसे कि बॉटलिंग पेपर में डुबो के पहले पहले जो प्रीवियस जो पुराने कलम होते थे लकड़ी वाले टाइप के कलम, तो उनको डुबोई जाती थी इंक में, फिर लिखा जाता था, तो वो इस प्रोसेस पे काम करता था, कैपिलरिटी एक्शन फेनोमेना। नेक्स्ट है अपना, साइफोन विल फेल टू वर्क इफ, साइफोन कब फेल कर जाएगा वर्क करने में, अगर जो दो वेसल हैं, साइफोन कब वर्क करता है, अगर डिफरेंस इन हाइट, दो लिक्विड के बीच में अगर डिफरेंस है तो साइफन वर्क करेगा, अगर दोनों का आप लेवल सेम कर दोगे तो साइफन वर्क नहीं करेगा। साइफन सिंपल सा है, अगर आप एक नीचे बोतल रखे हो, ऊपर पानी भरी हुई है, यहाँ से आप पाइप से एक थोड़ा सा हवा, इट मीन्स इसके बीच के एयर निकाल दोगे, स्ट्रक कर दोगे, तो उस सक्शन के चलते जो लिक्विड डायरेक्ट फ्लो करने लगेगी, इसको साइफन जो है वर्क करते हैं। अगर दोनों वेसल सेम हाइट पे रख दें तो वो फेल कर जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, न्यूक्लियर साइजेस आर एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट नेम, किस यूनिट में जो है न्यूक्लियर साइजेस को एक्सप्लेन किया जाता है, तो फॉर्मी जो है उसमें एक्सप्लेन किया जाता है, न्यूटन फोर्स है, देन आपका एंगस्ट्रॉम जो है, तो अपना एंगस्ट्रॉम जो है ये किसकी यूनिट है, टेस्ला हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स, एंगस्ट्रॉम वेव लेंथ, ओके वेव लेंथ, देन टेस्ला हो गया अपना मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, न्यूटन फोर्स का फॉर्मी अपना न्यूक्लियर साइजेस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज की जाती है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, ऑफकोर्स लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस को इनवर्स में जो मेजर होता है कि अब वहां डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो उनको मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज की जाती है उसको लाइट ईयर कहते हैं। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है, रेडियन इज यूज टू मेजर व्हाट, तो रेडियन जो यूज किया जाता है, आपने अगर ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा डिग्री एंड रेडियन दो तरह के होते हैं, ठीक है, डिग्री एंड रेडियन, तो रेडियन से डायरेक्ट एंगल्स का पता चलता है, तो एंगल आंसर हो गया इसका। देन टेम्परेचर का होता है, केल्विन में मेजर की जाती है, इंटेंसिटी ऑफ फ्लेम कैंडेला में मेजर की जाती है, कैंडेला, एंड सॉलिड एंगल्स को मेजर करते हैं एस्टेडेरियन में, STERDIAN। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन इज टू मेजर फोर्स, स्पीड वॉल्यूम और एरिया, आई डोंट थिंक कि एक्सप्लेन करने की जरूरत है, वैसे एक स्पीड आपको पता है, क्या मैं बता रहा हूँ, स्पीड मीटर पर सेकेंड, वॉल्यूम मीटर क्यूब, एरिया मीटर स्क्वायर, फोर्स न्यूटन, ओके। रेडियन पर सेकेंड इज अ यूनिट ऑफ, रेडियन पर सेकेंड जो है वो किसकी यूनिट है, तो एंगल वेलोसिटी की जो यूनिट है वो रेडियन पर सेकेंड, यानी कि वन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड जो है यूनिट है एंगल। नेक्स्ट इसमें आपका आता है जो मोमेंटम है वो किसका है, तो मोमेंटम की यूनिट है केजी पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। देन मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया आपका होता है किलो केजी स्क्वायर मीटर, केजी स्क्वायर मीटर मोमेंट ऑफ इनर्सिया। फ्रीक्वेंसी होती है आपकी हर्ट्ज में मेजर की जाती है। क्लियर है सारे? यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर इज ऑफ कोर्स पास्कल। व्हाट, पावर के लिए यूज किया जाता है। न्यूटन पर मीटर जो है वो सरफेस टेंशन के लिए, न्यूटन पर मीटर सरफेस टेंशन के लिए यूज किया जाता है। और न्यूटन सेकेंड ये इंपल्स है, इंपल्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी का जो यूनिट है वो क्या है, जूल। ये सारे
कॉमन टर्म है, आई थिंक ये सारे आपको पता होंगे, मीटर लेंथ, केजी, एम्पियर, ओके, करंट में। व्हाट इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की यूनिट क्या है? तो विस्कोसिटी की यूनिट है न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी जो है वो उसकी यूनिट क्या है? ओके, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी की यूनिट है फराडे, फराडे इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। हेनरी जो है वो मैग्नेटिक इंडक्शन की है, मैग्नेटिक इंडक्शन। वोल्ट जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस का है, ओम जो है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंट का है। ये सारे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। अगर पिछले ऑप्शन की बात करें तो पिछले ऑप्शन में हमने किस क्या देखा था, न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर, विस्कोसिटी की हो गई। कूलम जो होती है वो इलेक्ट्रिक चार्ज का, मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया बिकॉज ऑलरेडी हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। देन आपका वाट पर मीटर जो पर डिग्री सेल्सियस है, ये आपकी थर्मल कंडक्टिविटी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी। देन जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ये आपकी स्पेसिफिक हीट की फॉर्म जो यूनिट होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, तो क्वेश्चन है अपना एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो है इसकी यूनिट क्या है? तो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की यूनिट जो है वो लाइट ईयर में मेजर की जाती है। देन एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की होती है, वेबर हमने बात कर लिया मैग्नेटिक फ्लक्स का, और लक्स जो होता है वो इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन। ओके, आप राइटिंग पे गौर नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि राइटिंग बहुत खराब है, बट जो स्पीड है मैं जल्दी जल्दी लिखना चाह रहा हूँ और माउस का यूज कर रहा हूँ, मेरा ऑफ कोर्स मैं टोटल डिस्क्राइब नहीं करना चाहता हूँ ऐसा क्यों है। तो लक्स जो है वो इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, आप सुने क्या मैं बोल रहा हूँ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, लक्स इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, वेबर इज फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, एंगस्ट्रॉम इज फॉर वेवलेंथ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है स्केलर क्वांटिटीज आर, स्केलर क्वांटिटीज क्या होते हैं? तो फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली नो डायरेक्शन, जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता इसको स्केलर कहते हैं, और जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो बहुत सिंपल सा सवाल है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाई ए बॉडी इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। अगर मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, अगर यहाँ से ये यहाँ गया और फिर यहाँ से रिटर्न आके यहीं पे आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। बट अगर मान लीजिए ये 15 मीटर है और ये यहाँ से यहाँ जाके फिर यहाँ पे आ गया और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 6 मीटर, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 6 मीटर, यानी कि इस प्लेस से इस प्लेस पे, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय डेफिनेट डायरेक्शन। व्हिच लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया किस लॉ को कहते हैं? न्यूटन फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तीसरा लॉ क्या था? तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस इज दी थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। सेकेंड लॉ क्या था? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये इसका सेकेंड लॉ है। इनर्सिया क्या है? इनर्सिया, अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए, तो लॉ ऑफ इनर्सिया है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए सिस्टम ऑफ बॉडीज द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ बॉडीज रिमेन कॉन्स्टेंट विच लॉ स्टेट्स. अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई सिस्टम ऑफ बॉडी है, अगर कोई उस पर मोमेंटम आप नहीं लगाते हैं, ठीक है, कोई लीनियर मोमेंटम, नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं, सिस्टम बॉडीज है, टोटल लीनियर मोमेंट ऑफ सिस्टम बॉडीज रिमेन कॉन्स्टेंट. तो लीनियर मोमेंटम हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहता है अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं. तो ऑफकोर्स ये क्या हो रहा है, मोमेंटम जो है कंजर्वड है, कोई चेंजिंग इसमें नहीं आ रहा. तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. क्लियर. अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिस्क्राइब्ड. एक एक्सिस है, इसके अबाउट एक बॉडी अगर रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, तो इस रोटेशन को किस टर्म में डिस्क्राइब हम करते हैं, तो इसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स. रोटेशनल इफेक्ट कह रहा है, ध्यान रखिएगा, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन ए बॉडी, इफेक्ट जो फोर्स का पड़ेगा उसको क्या कहते हैं, तो मोमेंट ऑफ फोर्स. अगर इसमें है, इसके अबाउट अगर कोई मूव कर रहा है तो इसको मोमेंट इसके अबाउट कहेंगे. ये एक्सिस है, इसके अबाउट कर रहा है तो मोमेंट इसके अबाउट हो रहा है. क्लियर. तो मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं. नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एनर्जी पोजेस बाय योर बॉडी इन अ मोशन इज कॉल्ड. किसी मोशन में एनर्जी जो पोज की जाती है बॉडी के थ्रू, उसको हम क्या कहते हैं, तो उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो स्टोर्ड होती है. ओके. नेक्स्ट अपना है, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स. इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो क्या करता है, तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, सोलर सेल कन्वर्ट्स. सोलर सेल किस में कन्वर्ट करते हैं, तो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ लिफ्ट इज गोइंग अप विथ एन एक्सेलरेशन द अपेरेंट वेट ऑफ बॉडी. अगर जो लिफ्ट है वो ऊपर जा रहा है तो आपका फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे. लिफ्ट ऊपर जा रहा है, ग्रेविटेशन भी नीचे है, तो बॉडी का जो वेट है वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो मोर देन द ट्रू वेट. अगर वही लिफ्ट नीचे आता रहता तो ग्रेविटी नीचे, बट आप ऊपर, ओके, लिफ्ट भी नीचे, तो आपका बॉडी का वेट कम आपको लगता. ऑल प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट विद द सन बीइंग एट रेस्ट वन फोकस ऑफ ऑर्बिट. ट्रू है या फॉल्स है. क्लियर. कह रहा है कि सारे प्लैनेट जो हैं एक सन को एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में एक मतलब पॉइंट मान के उसके जो है अपोजिट इलेप्टिकल शेप में ऑर्बिट में घूम रहे हैं उसके अराउंड, उसके चारों तरफ. सन बीइंग एट रेस्ट एट वन फोकस्ड ऑफ ऑर्बिट. तो ये सच है या गलत, नहीं, सन भी घूम रहा है ना, है कि नहीं, बट प्लैनेट्स कहाँ घूम रहे हैं, वो सन के अराउंड घूम रहे हैं. तो ये जो कथन है ये सही है, सन अपने एक्सिस पे एज ए एक्सिस कहा जाए तो घूम रहा है, बट प्लैनेट्स जो जितने हैं वो सन के अराउंड घूम रहे हैं, तो ये ट्रू है. अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट इज डिपेंड ऑफ इट्स मास. मास पे डिपेंड करता है ऑर्बिटल, नहीं, ऑर्बिटल स्पीड जो है सैटेलाइट का वो मास के इंडिपेंडेंट होता है, ये आप याद रखेंगे. ये क्या हो गया, फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी. एस्केप वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, तो एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी शुड बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ सो इट गोज आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ एंड नेवर रिटर्न. अगर आप कोई बॉल इतनी जोर से फेंक दो जमीन से, अर्थ के सरफेस से, कि वो स्पेस में चली जाए और फिर रिटर्न नहीं आए, तो उस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं. क्लियर हो गया, सिंपल था. नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एटमोस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाई. ऑफकोर्स ये हम लोगों ने पहले भी किया है. क्या होगा आंसर, बैरोमीटर. देन टोनोमीटर के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था कि टोनोमीटर क्या करता है, फिर से पायरोमीटर क्या करता है, हीटिंग. थर्मोमीटर क्या करता है, टेम्परेचर. ये हाई टेम्परेचर, ये हीट जो है अपना बॉडी टेम्परेचर. तो ये सब के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात कर चुके हैं. सडन फेल इन बैरोमीटर इंडिकेट. अगर बैरोमीटर जो है सडन फेल कर जाए तो उसका इंडिकेशन क्या होता है, स्टॉर्म, तूफान आने वाला है.
नेक्स्ट विच इज ट्रू, इन सब में से क्या ट्रू है. इन ए स्टैटिक लिक्विड एट अ सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर इज मोर एट सेंटर. अगर स्टैटिक लिक्विड है और मतलब सेम हॉरिजॉन्टल, दोनों की जो है हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, एट अ सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर इज मोर एट सेंटर. रॉन्ग है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सेंटर पे प्रेशर ज्यादा होगा. इन अ स्टैटिक लिक्विड एट अ सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर इज लेस एट सेंटर, ये भी रॉन्ग है. इन अ स्टैटिक लिक्विड एट अ सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट. सी इज द करेक्ट आंसर. सारे पॉइंट पे प्रेशर जो है वो सेम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड पार्टली और होली इन अ लिक्विड देयर इज एन एपरेंट लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी. ऑफ कोर्स ये आर्किमिडीज जो थे उनका प्रिंसिपल था कि बॉयंसी फोर्स जो है क्या होता है, बॉडी का जो वेट है पानी में जितना डूबे उतना पानी रिप्लेस होगा, उस चीज को यहाँ पे कहा गया है ये सही है कि नहीं. तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है बॉयंसी का, उसके रूल के तहत ये सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में जो होता है उसको हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स. सरफेस टेंशन होता है वाटर में. कोहेसिव फोर्स क्या होता है, कोहेसिव फोर्स जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस, डिफरेंट सब्सटेंस एडहेसिव, सेम सब्सटेंस कोहेसिव. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ लिक्विड और गैसेज इज कॉल्ड. मतलब डिफरेंट लेयर जो है उसको जो अपोज करते हैं उस फोर्स को क्या कहते हैं, तो उस फोर्स को हम कहते हैं विस्कस फोर्स. विस्कस फोर्स के बारे में आपको बताया कि एक दूसरे के ऊपर जो लेयर पे लेयर लगता है उसको विस्कोसिटी कहते हैं, उसको विस्कस फोर्स कहते हैं. देन क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी होता है मैक्सिमम वेलोसिटी अप टू विच फ्लूइड मोशन इज स्ट्रीम लाइन. ओके, एक स्ट्रीम लाइन में मैक्सिमम वेलोसिटी की स्ट्रीम लाइन में फ्लो करे उसको क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं. उसके बाद टर्बुलेंट रूप पकड़ ले, ठीक है. स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है, इफ वेलोसिटी ऑफ ऑल द फ्लूइड पार्टिकल सेम ऑल द टाइम देन इट कैन, मतलब एक स्ट्रीम फ्लो है सारे पार्टिकल्स जो इसके अंदर है सबकी वेलोसिटी सेम होगी तो उसको स्ट्रीम लाइन फ्लो कहेंगे. क्लियर है. तो क्रिटिकल इसी में अगर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी टर्बुलेंट होने से, इट मीन्स टर्बुलेंट का मतलब होता है इधर उधर कभी तेज हो गया कभी कम हो गया, उसको टर्बुलेंट कहते हैं. लैमिनार शांत, ठीक है. तो टर्बुलेंट अगर हो जाए तो उसको क्रिटिकल वेलोसिटी क्रॉस कर चुका है वो, और उस टर्बुलेंट होने से जस्ट पहले की वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी. देन टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, कोई बॉडी जो फॉल कर रहा है, ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीड एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां के बाद उसकी जो स्पीड होगी उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा, उसी स्पीड से गिरेगा. पहले तो इंक्रीज करेगा लेकिन एक ऐसा स्पीड आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वो आके कांस्टेंट हो जाएगा, उस वेलोसिटी को कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से एट लास्ट वो गिरेगा. ओके, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस अप टू विच मटेरियल शोज इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड अबव विच द मटेरियल लूजेस इट. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस अप टू विच अ मटेरियल शोज इलास्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एक ऐसा लिमिट. ये जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में एक इलास्टिक लिमिट होता है जिसके बाद मटेरियल फेल करती है, ठीक है. तो कह रहा है कि शोज इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड अबव विच मटेरियल लूजेज इट, उसके बाद मटेरियल लूज कर जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट. जो ए यहाँ से लेके यहाँ तक होती है उसके बाद ये डिफॉर्म करना शुरू करती है, फिर एल्ड होता है, फिर आपका जो इस पे लास्ट में फ्रैक्चर होता है, स्ट्रेस इसमें एल्ड बनता है, फिर इलोंगेशन होता है इसमें. तो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है. फर्स्ट जो है ये आता है आपका इलास्टिक लिमिट जिसमें हुक्स लॉ अप्लाइड होता है. ओके, तो इलास्टिक लिमिट इसको कहते हैं. व्हाट इज हुक्स लॉ, सिंपल सा क्वेश्चन है. हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के होगा तो उसको हुक्स लॉ कहते हैं. अब स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है, अब ये भी पूछोगे, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है इलास्टिसिटी अपॉन स्ट्रेन. ओके,
तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो जाए, सॉरी स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो स्ट्रेस जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, इट मींस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन जो होता है वो होता है आपका चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओके, अगर ये स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए एक दूसरे के, तो इसको हुक्स लॉ कहते हैं, और एसी को जो हुक्स लॉ लागू होता है ए से बीच में, जिसकी इलास्टिसिटी लिमिट होती है वो, तो उसको स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व बनता है, जो कर्व पिछली बार हम लोग पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने बनाया था, उसको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स आर टाइप्स ऑफ, किस टाइप्स के वेव्स ये जो हैं कहे जाते हैं, तो ये मैकेनिकल वेव कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन सब में से कौन सा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर देखें ध्यान से तो साउंड वेव तो आपका वैसे ही क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है, कैथोड रेज ऑफकोर्स ये भी एलिमिनेट हो जाता है, अल्ट्रासोनिक ये भी एलिमिनेट हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इट मीन्स इंफ्रारेड रेज, ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। तो वेलोसिटी ऑफ वेव जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ओके v इक्वल टू एफ अपॉन लैम्डा, या फिर f इक्वल टू v लैम्डा, क्लियर। तो ये होता है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, v इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द वेव इक्वल टू f इंटू लैम्डा, और लैम्डा इक्वल टू v बाई f, वेवलेंथ इक्वल टू velocity upon frequency, तो ये relationship होता है इसमें। Next question अपना जो है वो है, what is audible sound wave, audible sound wave क्या होता है, उसके frequency क्या होगी। audible sound wave जो है 20 hertz से लेके 20,000 hertz के बीच में होता है। अपना next question है, वट इज द रेंज ऑफ मरकरी थर्मोमीटर, मरकरी थर्मोमीटर का रेंज क्या है। तो ये -30 डिग्री से लेकर 350 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ स्टेट्स द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाई अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग। ये कौन सा है कि जो बॉडी का जो है, मतलब ऑफ कोर्स जो कोई बॉडी है उसकी जो हीट लॉस होगी तो उसका रेट जो है सराउंडिंग टेम्परेचर जो डिफरेंस होगा, ऑफ कोर्स उससे हीट निकलेगा तो बाहर का जो अपना सराउंडिंग होगा वो उस या तो हॉट होगा या फिर कूल होगा, अगर जिस तरह का टेम्परेचर हुआ तो उन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है वो कौन सा लॉ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफरेंस टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग, तो इस लॉ को कौन सा लॉ कहते हैं। तो इसको जो है वो कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये थर्मोडायनेमिक्स में अपना आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट होता है जैसे कि जो मूविंग, आपने देखा होगा कि स्टोन अगर पानी में कोई फेंके, जो पेबल है पत्थर मारे तो उसमें क्या होता है एक वेव जनरेट होता है, उसी को डॉपलर्स वेव कहते हैं। किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, जो ये सिग्निफाई करता है गुड ऑब्जर्वर और गुड इमिटर को, किरचॉफ्स लॉ। फिर स्टेफन लॉ क्या होता है आपका, द रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय ए ब्लैक बॉडी, अगर कोई काली मतलब ब्लैक बॉडी है पर यूनिट एरिया, अगर ब्लैक बॉडी है उसका पर यूनिट एरिया मीटर स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोई ब्लैक बॉडी ऑब्जर्व करता है पर यूनिट एरिया। ओके, आप सिंपल से याद रखिए,
ये रियली ये हाई लेवल पे बात है, जो एसएससी सीजीएल के लेवल नहीं है ये। तो सिंपल याद रखिए, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग। तो जो बाहर का सराउंडिंग है और जो बॉडी का टेम्परेचर है, उन दोनों के बीच में जो डायरेक्टली रिलेशनशिप है वो किस पे है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे। अगर क्वेश्चंस भी देखते हैं तो आप इजिली थोड़ा सा अगर मतलब अपना कॉमन सेंस यूज करते हैं तो इसका आंसर कर सकते थे कि ओके, कूलिंग फिर से बॉडी क्या होगा, हॉट होगा, डिक्रीज होगा, तो कौन सा लॉ हो सकता है। तो अगर तुक्का भी खेलते तो ये सही हो जाता। द नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। वैक्यूम में स्पीड लाइट मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम बाय किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, उसकी रेशियो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या कहलाता है? ट्रू या फॉल्स? यस, ये ट्रू है। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस एट द इंसिडेंट प्लेन और नेवर लाइन इन द सेम प्लेन। जैसे कि जो इंसिडेंट रे है, फिर उसके बाद नॉर्मल रे, इंसिडेंट के बाद नॉर्मल, फिर उसके बाद रिफ्लेक्टिंग रे, ये तीनों एक लाइन में नहीं आते हैं। इनका कहना है नहीं, ये गलत है, ये जो तीनों जो है वो एक लाइन में आते हैं। ओके, ये ट्रू हो फॉल्स होगा क्योंकि ये तीनों एक लाइन में आते हैं। विच आर दी प्राइमरी कलर्स? प्राइमरी कलर्स क्या हैं? तो आपको ही पता है RGB, रेड ग्रीन ब्लू, जो टेलीविजन्स में, कंप्यूटर्स में, हर स्क्रीन में यूज होते हैं। डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ऑफकोर्स वोल्ट मीटर। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो पार्ट होता है, एटम स्मॉलेस्ट पार्ट है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे? इन सब में से कैथोड रे का प्रॉपर्टी कौन सा नहीं है? तो कैथोड रे आर इनविजिबल एंड ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। नो, प्रॉपर्टी है ये। दिस रेज कैन आयोनाइज गैसेस, यस आयोनाइज होते हैं। दिस रे कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन मेटल फॉइल्स, यस ऑफकोर्स थिन मेटल फॉइल्स, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया था। दिस रेज मेक मटेरियल कूल ऑन विच दे फेल, रॉन्ग। ऑफकोर्स ये एक्सपेरिमेंट है और हॉट एक्सपेरिमेंट रेज के एक्सपेरिमेंट है, तो कूल ये गलत है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, द न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू टू न्यूक्ली ऑफ नियरली इक्वल मासेस। अगर दो मासेस, कोई न्यूक्लियर रिएक्शन है उसमें एक हैवी न्यूक्लियस जो है दो न्यूक्ली में स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है इक्वल मास का, तो उसको क्या कहेंगे? तो इसको जो है न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है अपना, विच यूनिट वी यूज टू एक्सप्रेस न्यूक्लियर साइजेस? न्यूक्लियर साइजेस को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सी यूनिट यूज करते हैं? तो फॉर्मी। क्लियर? टेस्ला मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए यूज करते हैं, न्यूटन फोर्स के लिए। फॉर्मी जो है वो न्यूक्लियर साइजेस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। एट लास्ट, सब्सक्राइब दिस चैनल, अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक नोटिफिकेशन का बेल आएगा, उस बेल पर क्लिक कीजिए, ऊपर एक नोटिफिकेशन का कंफर्मेशन आएगा, उस पर टिक कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि वीडियो अपलोड हुआ है, आप उसको आके देख पाएं। देन वीडियो को लाइक किए बगैर जाना नहीं है आपको। ऑफकोर्स अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए, पसंद आए, आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है तो ऑफकोर्स लाइक कीजिए, और कमेंट में अगर कोई डाउट है आपका तो पूछ सकते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट टॉपिक पे आपको कुछ क्वेश्चंस चाहिए या फिर कंफ्यूजन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। एट लास्ट, शेयर करना मत भूलें, एंड बी काम एंड स्टडी हार्ड, भूले मत, शांत रहिए और मेहनत से बढ़िए, ऑफकोर्स आपको सक्सेस मिलेगी। टेक केयर, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में और कुछ नया सीखेंगे। बाय बाय।